मू जीरोज़। तो हमारे पास क्या है, एक इंटीजर एरे नम्स है और हमको मूव करने का ऑल द जीरोज टू द एंड ऑफ इट वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट। और इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग द कॉपी ऑफ एन एरे। ठीक है, तो सिंपल है, क्वेश्चन में करना क्या है अपने को, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना वो पहले लाने का है, ऑर्डर मेंटेन रहने को ना, जैसे पहले 1, 3, 12 और जितने भी जीरो है ना वो सब एंड में आने को ना। तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले लॉजिक तो सिंपल सा एक एरे बना दो वही साइज का और फॉर लूप लगा दो इस पे, 1, 3, 12 इसमें ऐड कर दो और बाद में जितने भी जगह बचे उसमें जीरो भर दो। ये इजी है, लेकिन अपने को क्या करना है, इन प्लेस में करने का है, अपने को एरे वगैरह कुछ नहीं बनाने का है। तो ये वाले क्वेश्चन में टू पॉइंटर से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 283 लीट कोड का क्वेश्चन है, ऑल जीरोज एट द एंड मेंटेनिंग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट, ये बात ध्यान रखने का है, और मस्ट डू इन प्लेस विदाउट मेकिंग कॉपी ऑफ एन एरे। तो हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंटर ले लेंगे, एक आई पॉइंटर ले लेंगे और एक जे पॉइंटर ले लेंगे। आई पॉइंटर क्या रहेगा, एक फॉर लूप के अंदर रहेगा और जे पॉइंटर एक ऊपर अपन एक ऐसे बना देंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे जे पॉइंटर हमने ऊपर ले लिया और फॉर लूप के अंदर एक आई पॉइंटर लेंगे। ठीक है, अपन क्या चेक कर रहे हैं कि जो भी एर ऑफ आई है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो अपन क्या करेंगे, जो भी एर ऑफ जे में वैल्यू है ना उसको एक टेम्प पे स्टोर कर देंगे और एर ऑफ आई की वैल्यू जे में डाल देंगे। ये देखो देखो, सबसे पहले तो 0, 1, 0, 3, 12 ये वाला कुछ, ये वाला हमारे पास एरे है। ठीक है, ये आई है फॉर लूप में, फॉर लूप वाला आई है जो कि अभी इनिशियली दोनों सेम ही है, मतलब एक हमने जे वेरिएबल बना दिया। तो अगर एर ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो है, ये तो जीरो है, तो क्या होगा, आगे कुछ रन ही नहीं होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगे आई प्लस प्लस से और अब ये आया यहाँ पे आ जाएंगे 1 पे। ठीक है, एक ये आई यहाँ पे आ गया। तो अगर एर ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम जो भी एर ऑफ जे में वैल्यू है ना उसको टेम्प पे डाल देंगे, यानी हमने टेम्प पे अभी जीरो डाल दिया और एर ऑफ जे में 1 डाल दिया। ठीक है, और एर ऑफ आई में हमने जो टेम्प पे वैल्यू डाल दी ना वो डाल दी, यानी हमारा एरे क्या हो जाएगा, 1, 0, 0, 3, 12। सिंपल सा ये लॉजिक क्या है, स्वैप करने का लॉजिक है। ठीक है ना, तो वही लॉजिक है और अपन यूज़ करने वाले और इसको अपन इन प्लेस में कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इधर अपने को जे प्लस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि जे हम इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फॉर लूप के अंदर आए आए तो अपने आप इंक्रीमेंट होते रहेंगे, लेकिन जे को अपने खुद को करना पड़ेगा जब भी ये वाली कंडीशन फुलफिल होंगी। तो सिंपल सा है, हम दो दो पॉइंटर ले लेंगे, एक तो इंट जे इज इक्वल टू जीरो और एक फॉर लूप लगा देंगे जिसके अंदर आई पॉइंटर रहेगा जब तक क्या लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो चेक क्या करने का है, इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो है ना तो अपने को क्या करने का है, एक टेम्प लेने का है वेरिएबल जिसके अंदर हमको एर ऑफ जे, सीधा स्वैप का लॉजिक है ये, और एर ऑफ जे के अंदर एर ऑफ आई की वैल्यू डाल दो और एर ऑफ आई में टेम डाल दो। यानी सिंपल सा है, अगर एर ऑफ जे में जीरो है और एर ऑफ आई में 1 है तो अभी एर ऑफ जे में 1 आ जाएंगे और एर ऑफ आई में 0 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमको जे प्लस प्लस करने का, सिंपल सा लॉजिक है ये, और यहाँ से अपन रिटर्न ट्रू करने वाले। अ नहीं, रिटर्न हमें करना क्या है पे, अच्छा रिटर्न हमें कुछ करना ही नहीं है, ये देखो सॉरी, रिटर्न वैसे ट्रू तो अभी करेंगे ही नहीं, रिटर्न में एरे करने की सोच रहा था, पर यहाँ पे वॉइड करना है, यानी रिटर्न कुछ करना ही नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही चेक कर लेंगे अंदर जो भी उसके लॉजिक लिखा होगा। ठीक है, तो सीधा हम सबमिट कर देंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे हमें एरर आ जाए, अरे हम एर क्यों ले रहे हैं। ठीक है, एक अभी का मैंने इधर एक एर एक एरे बनाता हूँ और जिसके अंदर ही नम्स डाल देता हूँ, इतना चेंज करने से अच्छा जो भी नम्स की वैल्यू है ना वो एरे में तो आ ही जाएंगी, और एरे क्या है, म्यूटेबल है, यानी हम नम्स को चेंज करो एरे को चेंज करो वो तो दोनों में हो ही जाएंगा ना। ठीक है, ये समझा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, अगर एरे और नम्स क्या है, सबसे पहली बात तो एरे क्या होते हैं, म्यूटेबल। ठीक है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग क्या होते हैं, इम्यूटेबल, स्ट्रिंग को अपन चेंज नहीं कर सकते, जो भी नम्स की वैल्यू है ना मैंने एक एर को दे दिए, यार ये हो रहा क्या, एक रहता है स्टैक मेमोरी एक रहती है हीप मेमोरी। ठीक है, तो हीप मेमोरी में जो एक्चुअल एरे है ना वो स्टोर है और स्टैक मेमोरी में उसके पॉइंट्स क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल स्टोर है, जो भी नम्स है
या एर है वो एक ही एरे को पॉइंट कर रहा है, यानी तुम एर से चेंज कर रहे हो या नम से चेंज कर रहे हो, वो एक ही एरे है और उधर ही चेंज हो रहा है, ये दो सिर्फ उसके रेफरेंस वेरिएबल है। ये तो जावा का कंसेप्ट है, सीधा सबमिट तो हो जाएंगे, सबमिट तो हो गया है सबमिट। सो इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा, इसको करने का एक ही तरीका था, इसको इन प्लेस में करने का था, और ये बात ध्यान रखना कि इसको अपन टू पॉइंटर में भी कर सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, सीधा स्वैप का लॉजिक करने का है, वही था टू पॉइंटर आए जी। ठीक है।